वीडियो पर आए सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक ही मोबाइल के अंदर आपको दो फेसबुक अकाउंट अगर यूज करना हो तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि नॉर्मली आपको भी पता है कि मोबाइल जब भी हम परचेज करते हैं नया तो उसके अंदर एक एप्लीकेशन ऑलरेडी लगभग डल के ही आती है, हर मोबाइल के अंदर फेसबुक का एप्लीकेशन डल के आता है। लेकिन बाय द वे जैसे मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ जाती है दूसरे अकाउंट की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रोफेशनली ज़रूरत पड़ जाता है, एक तो मान लीजिए पर्सनल अकाउंट हो गया, दूसरा आप उनके प्रोफेशन से संबंधित, जैसे एग्जांपल मैं दूँ, अपना ही एग्जांपल देता हूँ, तो एक तो हमारा पर्सनल अकाउंट है, सेकेंड मुझे ज़रूरत पड़ती है दुकान के नाम से जो कि ऑलरेडी है, पहले से है। एक और एग्जाम्पल लें तो जैसे बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं तो पर्सनल के अलावा एक जैसे जिस किसी भी प्रोफेशन से संबंधित या किसी विषय से संबंधित वो वीडियो बना रहे होते हैं तो कई बार उनको उसके लिए एक अलग से पेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उससे संबंधित सारी जानकारी वो उस पर डाल सकें। तो इस तरह से कई सारी बातें हैं जिनके लिए दूसरे अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम हम कंप्यूटर के अंदर यानी पीसी के अंदर तो कर लेते हैं, अलग अलग ब्राउजर के अंदर अलग अलग फेसबुक अकाउंट या फिर लॉग आउट करके लॉगिन करके बार बार कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर भी आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को पसंद होगा, बजाय इसके कि आप दो अलग से ही यूज करें ये कि आप इसमें लॉग आउट हों फिर लॉगिन करें सेकेंड, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हमको मोबाइल के अंदर छोटी सी सेटिंग करनी है, उसमें ज़्यादा काम नहीं है, तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी है, छोटी सी वीडियो बनने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले चलना है मोबाइल की सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जैसे मैंने पहले टाइप किया हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ, सर्च बार आपको सबसे पहले ऊपर मिल जाता है, वहाँ पर आपको टाइप करना है क्लोन ऐप्स, CLO यानी AWPS, या फिर आप क्लोन ना टाइप करना चाहें, ड्यूल टाइप करना चाहें तो ड्यूल टाइप करिए, लेकिन दिखेगा वही ड्यूल ऐप्स ही, तो क्लोन या ड्यूल कुछ भी आप टाइप करेंगे ड्यूल ऐप्स दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। और ये टाइप करने के बाद से आपके सामने जो पेज खुलेगा इसमें आपके मोबाइल के अंदर जितने भी एप्लीकेशन पहले से डले हुए हैं जो भी एक्टिव है पूरी सबकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें जिसका आपको चाहिए क्लोन यानी जिसका सेकेंड ऐप यूज़ करना है उसका ये ऑन कर देना है स्विच, जैसे ये हमारा ब्लू हो गया यानी ये ऑन हो गया, ठीक है, स्विच को ऑन करिए, उसके बाद से बस आपका काम रेडी है। इतना करते ही आपके मोबाइल के अंदर सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, इसका एक लोगो अलग से बन जाता है और ये हमारा लोगो बना होगा, ये हमारा फेसबुक का नया ऐप स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर भी लॉगिन होने के लिए सेम प्रोसेस रहेगी जैसे आपका पहला वाला अकाउंट जो पहले से है, वैसे ही सेम आपको इसके अंदर भी अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी है ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जैसे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और उसके बाद से लॉग्ड इन होगा। और ये देखिए हमारा सेकेंड ऐप जो है स्टार्ट हो चुका है हमारी दुकान के नाम से, यहाँ पे इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद से लॉगिन इंफॉर्मेशन ये मोबाइल के अंदर सेव हो चुका है सेकेंड ऐप का, और ये हमारा यहाँ पे अलाउ कर देना है, क्योंकि बिना अलाउ किए आप लॉग्ड इन हो नहीं सकते। तो ये अलाउ करने के बाद से हमारा सेकेंड ऐप का काम स्टार्ट हो गया, ये हमारे कॉन्टैक्ट जो भी हैं, और ये संभवतः आपका पूरा जो पहले का कॉन्टैक्ट होगा पहले वाले एप्लीकेशन का उसका सारा डाटा लगभग ये इसमें कोशिश करता है, उसमें अलाउ करने के बाद से उसके कॉन्टैक्ट्स को कैच करने की, इसमें आपको अलाउ कर देना है। और ये हमारा नया फेसबुक अकाउंट पूरी तरीके से तैयार है। अब इसके अंदर सेम आपका जैसे पहले वाला एप्लीकेशन चलता था सेम वही प्रोसेस रहती है, बिल्कुल टू कॉपी उसका होता है। इसके अंदर भी आपको जो करना है करिए, जैसे आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं,
और वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी करिए। बहुत बहुत